नमस्ते फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। हाँ जी, आई होप सो सब बढ़िया होंगे। चलिए जी, कल इंस्टीट्यूट ने कुछ एफएक्यूज रिलीज करे हैं विद रिस्पेक्ट टू जुलाई 2020 एग्जाम्स एंड ऑप्ट आउट स्कीम। जो 15 जून को आईसीए की अनाउंसमेंट आई थी विद रिस्पेक्ट टू ऑप्ट आउट स्कीम एंड कंडक्ट ऑफ जुलाई 2020 एग्जाम्स, उसके रिगार्डिंग कई सारे क्वेश्चंस थे बच्चों के माइंड में कि सर किस तरीके से काम होगा, क्या होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, बहुत सारे कंफ्यूजन्स थी। उसको क्लैरिफाई करने के लिए आईसीएआई ने कल रात को एफएक्यूज इशू किए हैं, तो वही एफएक्यूज मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। किस तरीके से ऑप्ट आउट स्कीम के लिए अप्लाई करना है, कैसे हम अपने एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ऊपर मैं इस आई बटन में आपको इस वीडियो का लिंक दे देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, तो अगर आपको वो प्रोसीजर देखना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिस्कस करने एफएक्यूज। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे चलते हैं। हाँ जी, ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है। हाँ जी, icai.org, इसमें एफएक्यूज वैसे तो नीचे ही दिख जाएंगे आपको। ये देखिए, अनाउंसमेंट में सेकंड जो लिंक दे रखा है वो क्या दे रखा है जी, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन एंड देयर आंसर, 17 जून 2020, कल के जो एफएक्यूज की अनाउंसमेंट है वो दे रखी है। तो आइए इसको देखते हैं एक बार। देखिए जी, ये कुछ एफएक्यूज हैं, स्क्रीन को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। हाँ जी, एक एक पॉइंट को बड़ी ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट को बड़ी ध्यान से सुन लेना। दोबारा ये एफएक्यूज कहाँ मिलेंगे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। अदरवाइज सुन लीजिए, एक एक पॉइंट आपका इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगा, फिर कोई कंफ्यूजन का बचेगी ही नहीं। ठीक है जी, तो पढ़ते हैं क्या कहता है। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स, इन कंटिन्यूएशन टू इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट डेटेड 15 एंड 17 जून, स्टूडेंट्स हु हैव मेड एप्लीकेशन फॉर अपियरेंस इन मई 2020 एग्जाम एंड टू चेंज द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन और टू ऑप्ट आउट ऑफ मई 2020 एग्जाम्स एंड इन लियू ऑफ इट अपियर इन द नवंबर 2020 एग्जाम विद ड्यू कैरी ओवर ऑफ फीस पेड एग्जेम्पशन एटसेट्रा मे गो थ्रू द एफएक्यूज मेंशन बिलो। वो कह रहे हैं कि जिन बच्चों ने अपने एग्जाम देने हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई, जो मे अटेम्प्ट था जो कि जुलाई तक शिफ्ट हो गया है, जुलाई में जिनको एग्जाम देने हैं, या फिर जो बच्चे ऑप्ट आउट कर रहे हैं मे एग्जाम को, मे अटेम्प्ट को नवंबर में जा रहे हैं, उनके रिगार्डिंग ये कुछ एफएक्यूज है, तो आप लोगों को बड़ा ध्यान से इनको पढ़ के चलना है। एक एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट प्रिकॉशंस, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशंस स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट एग्जामिनेशन सेंटर। वो कह रहे हैं कि बच्चों को क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है एग्जामिनेशन सेंटर पे, बहुत जनरल सी प्रिकॉशन लेनी है। आंसर क्या है इसका, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक फॉलोइंग प्रिकॉशंस एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। सबसे पहला, वियरिंग ऑफ फेस मास्क इज कंपल्सरी एट ऑल टाइम एट द एग्जामिनेशन सेंटर। भाई ठीक है, तो वैसे भी कंपल्सरी है कि हर बच्चे को फेस पे मास्क लगा के रखना है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर में घुसते ही और एग्जामिनेशन तक और बाहर निकलते तक उसको क्या करना है जी, मास्क लगा के रखना है। इवन मैं तो ये बोलूंगा, घर से बाहर निकलिए मास्क लगाकर निकलिए, घर में एंटर कीजिए मास्क लगाकर एंटर कीजिए, आते ही घर पे अपने आप को सैनिटाइज कर लीजिए, या उससे बेटर क्या है सर, गर्मी का टाइम है, घर आते ही नहा लीजिए अच्छे से। ठीक है जी, और जो आप कपड़े पहनकर जा रहे हैं उन कपड़ों को सीधा धोने के लिए डाल देना, वॉशिंग पाउडर में, अपने पेरेंट्स को बोलना वॉशिंग पाउडर में एक बकेट में उन कपड़ों को क्या करना चाहिए, धोने के लिए डाल देना, ताकि कोई भी इंफेक्शन किसी तरीके का आप लोगों के साथ अंदर ना आ जाए। ठीक है जी, तो पहला मास्क वाला पॉइंट बोल दिया उन्होंने, फिर क्या बोला उन्होंने, टू कैरी अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल ऑफ हैंड सैनिटाइजर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है जी, एक बॉटल में आपके पास सैनिटाइजर भी लेके जाना है पर्सनल यूज के लिए। टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एट ऑल टाइम्स एट एग्जामिनेशन सेंटर। आपको आपस में क्या रखना है जी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है, यानी कि दोस्त मिल रहे कई दिन बाद और गले लग लिए, जी नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। एंड टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट 1 आवर बिफोर द एग्जाम टाइम। ये बड़ा ध्यान से समझना सर, वो इंस्टीट्यूट साफ साफ कह रहा है कि 1 घंटा पहले एग्जाम टाइम से 1 घंटा पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। 2 बजे अगर आपका पेपर होता है तो आपको 1 बजे पहुंचना पड़ेगा। इसका कारण है बहुत बड़ा, इसका कारण यह है कि जो प्रिकॉशन इंस्टीट्यूट लेना चाह रहा है, अभी अगले पॉइंट में आएंगे, स्क्रीनिंग होगी, सैनिटाइजेशन होगी, मतलब जितनी भी प्रिकॉशन है, सोशल डिस्टेंसिंग होगी, तो सर टाइम लग जाएगा।
इन चीजों में टाइम लगेगा क्योंकि डिस्टेंसिंग होगी, गैप होगा बच्चों के बीच में, तो सर टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इंस्टीट्यूट कहता है कि एक घंटा पहले आप एग्जाम सेंटर पे रिपोर्ट कर देना, ठीक है जी। तो ये तो पहला क्वेश्चन था कि बच्चों को क्या प्रिकॉशन लेनी है। सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट प्रोसीजर वुड बी फॉलोड बाय आईसीएआई बाय फॉर द एडमिटिंग द स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आईसीएआई अब क्या प्रिकॉशन लेगा एग्जामिनेशन सेंटर पे, इंस्टीट्यूट क्या प्रिकॉशन लेके चलेगा। आईसी आंसर है, आईसीएआई विल इशू नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस टू देयर एग्जामिनेशन सेंटर टू टेक ऑल द प्रिकॉशन विच अमंग अदर विल इंक्लूड, ठीक है। आईसीएआई कुछ इंस्ट्रक्शन तो देगा ही देगा एग्जामिनेशन सेंटर में, और क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होगी। सबसे पहला पॉइंट, ऑल स्टूडेंट हैव टू गो थर्मल स्कैनिंग बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर ऑब्लिक हॉल, ठीक है जी। हर एक स्टूडेंट की थर्मल स्कैनिंग होगी। आपने देखा होगा कि शॉपिंग मॉल्स में या कहीं भी एंटर करते समय आजकल क्या होता है, एक व्हाइट कलर का थर्मामीटर होता है, उससे क्या होता है। तो पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो एक्सटेंशन हो रही है एग्जाम की, देखो क्या था कि आईपीसीसी के ओल्ड कोर्स का मई 2020 लास्ट अटेम्प्ट था, अब उस अटेम्प्ट को इंस्टीट्यूट ने एक्सटेंशन दे दिया कि नवंबर 2020 विल बी द लास्ट अटेम्प्ट। क्या ये उन्हीं बच्चों के लिए जो ऑप्ट आउट कर रहे हैं या सबके लिए? आंसर इज वो सबके लिए। मतलब अगर आप ऑप्ट आउट कर रहे हो तब भी आपका नवंबर 2020 आईपीसीसी ओल्ड कोर्स का लास्ट अटेम्प्ट है, और जो बच्चा मई 2020 में एग्जाम दे रहा है और इन एनी केस वो फेल हो जाता है, वो क्लियर नहीं कर पाता है, तब भी वो आईपीसीसी ओल्ड कोर्स में नवंबर 2020 में एग्जाम दे सकता है, यानी कि आईपीसीसी नवंबर 2020 का लास्ट अटेम्प्ट रहेगा, ठीक है जी। इंस्टीट्यूट ने एक अटेम्प्ट की और एक्सटेंशन दे दिया और वो एक्सटेंशन सबके लिए एप्लीकेबल रहेगी, ठीक है। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8, देखो, विल नवंबर 2020 बी द लास्ट अटेम्प्ट फॉर फाइनल ओल्ड कोर्स स्टूडेंट, क्या नवंबर 2020 फाइनल ओल्ड कोर्स का लास्ट अटेम्प्ट रहेगा। इसके लिए क्या कहता है इंस्टीट्यूट, वो कहता है एज पर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल 6 अटेम्प्ट्स आर टू बी गिवन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द ओल्ड कोर्स, अकॉर्डिंगली फॉर दो स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर मई 2020 एग्जाम साइकिल विल ऑटोमेटिकली गिवन एक्सटेंशन फॉर मई 2021। देखो इंस्टीट्यूट ने क्या बोला था, इंस्टीट्यूट ने फाइनल वाले ओल्ड कोर्स के बच्चों के लिए बोला था कि आपको 6 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, आपको ओल्ड कोर्स के लिए 6 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, तो 6 अटेम्प्ट जो थे वो नवंबर 2020 में खत्म होने थे, 6 अटेम्प्ट जो थे वो नवंबर 2020 में खत्म होने थे, लेकिन जो बच्चा मई 2020 अटेम्प्ट को ऑप्ट आउट कर देता है तो सर उसके लिए तो वो अटेम्प्ट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, उसके लिए तो वो अटेम्प्ट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, तो ऑटोमेटिकली उसको एक अटेम्प्ट की और एक्सटेंशन मिल जाएगी। मतलब उसके जो 6 अटेम्प्ट कंप्लीट होंगे वो कहां पर जाकर कंप्लीट होंगे, मई 2021 में कंप्लीट होंगे। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा बच्चों को कि देखो जो 6 अटेम्प्ट कंप्लीट होने थे वो कहां पर कंप्लीट होने थे, वो होने थे नवंबर 2020 में, लेकिन अगर आप मे अटेम्प्ट को छोड़ देते हो तो आपके लिए वो अटेम्प्ट इनवैलिड हो गया, आपके लिए वो अटेम्प्ट क्या हो गया जी, इनवैलिड हो गया। तो आपके लिए जो 6 अटेम्प्ट है वो कब खत्म होंगे, जाकर मई 2021 में जाकर खत्म होंगे। लेकिन सर अगर हम ऑप्ट आउट नहीं करते, अगर हम ऑप्ट आउट नहीं करते, हम एग्जाम देके आते हैं, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट क्या कहता है, वो कहता है फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट ऑप्टिंग आउट एग्जामिनेशन कमिटी विल सेंड रिकमेंडेशन टू द काउंसिल फॉर नेसेसरी सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बच्चा ऑप्ट आउट नहीं कर रहा उसके लिए भी इंस्टीट्यूट क्या करेगा, कुछ ना कुछ पॉइंट्स को मद्देनजर रखेगा। तो देखिए प्रैक्टिकली बोला जाए तो उनके लिए भी एक अटेम्प्ट की एक्सटेंशन मिलेगी ही मिलेगी, तो यानी कि सबके लिए मई 2021 विल बी द लास्ट अटेम्प्ट। अभी अनाउंसमेंट आई नहीं है जो एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या, अगर मैं ब्रॉडली देखूं तो आईपीसीसी का जो लास्ट अटेम्प्ट रहेगा वो नवंबर 2020 रहेगा, और जो फाइनल का लास्ट अटेम्प्ट रहेगा वो रहेगा मई 2021, ठीक है जी। आई होप अब ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद वेदर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन नवंबर 2020 और दिसंबर 2020, बड़ा अच्छा पॉइंट है। देखो जिन बच्चों के नवंबर 2020 में एग्जाम है उनके दिमाग में क्वेश्चन था कि सर क्या हमारे अटेम्प्ट पे भी कोई फर्क पड़ेगा, क्या हमारे अटेम्प्ट पे भी कोई फर्क पड़ेगा। यहां पर इंस्टीट्यूट क्या कहता है, देखो इंस्टीट्यूट कहता है ऑन सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ मई 2020 एग्जामिनेशन, नाउ जुलाई 2020 एज पर द शेड्यूल अनाउंस्ड नवंबर 2020 एग्जाम साइकिल विल कमेंस फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2020। मजे की बात क्या आ गई, इंस्टीट्यूट ने साफ बोल दिया कि अगर, ध्यान देना इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है,
कि अगर मई 2020 एग्जाम जो कि अब जुलाई में होने हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते हैं, वो अगर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते हैं तो नवंबर 2020 के जो एग्जाम्स हैं वो कब से स्टार्ट होंगे? वो 1 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। वो कब से स्टार्ट होंगे जी? 1 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, यानी कि नवंबर 2020 में एग्जाम होने ही नहीं है, दिसंबर में होंगे। लेकिन वो भी कब? वो भी तब अगर जुलाई में एग्जाम कंप्लीट प्रॉपरली हो जाते हैं तो। सर अगर जुलाई में कंप्लीट नहीं हुए तो क्या होगा? तो इंस्टीट्यूट डिसीजन लेगा कि नवंबर में लेना है या और ज्यादा एक्सटेंड करना है, वो बात की बात देखी जाएगी। अभी इंस्टीट्यूट पूरी तैयारी में है कि जुलाई में एग्जाम ले लिए जाएंगे, तो अगर जुलाई में एग्जाम ले लिए जाते हैं तो नवंबर के जो एग्जाम है वो नवंबर में ना होकर 1 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। ठीक है जी, चलो ये पॉइंट भी बड़ा अच्छा था। अगला पॉइंट, व्हाट विल हैपन इफ द रेजिडेंट ऑफ अ स्टूडेंट कम्स अंडर कंटेनमेंट जोन ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन? ठीक है जी, वो कहते हैं कि अगर एग्जामिनेशन के चलते चलते किसी स्टूडेंट का रेजिडेंस कंटेनमेंट जोन में आ जाता है तो क्या होगा? उसके लिए इंस्टीट्यूट कहता है कि इन केस रेजिडेंस ऑफ अ स्टूडेंट विल फॉल अंडर कंटेनमेंट जोन, सच स्टूडेंट विल बी गिवन एन ऑप्शन टू अप्लाई फॉर ऑप्ट आउट विद द कॉपी ऑफ सेड नोटिफिकेशन और ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड ही और शी विल बी शिफ्टेड टू द नवंबर 2020 एग्जामिनेशन साइकिल विद ऑल द बेनिफिट्स इन टर्म ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ फी एंड एग्जेम्पशन एटसेट्रा। ठीक है जी, वो कहता है कि अगर एग्जाम चलते चलते किसी स्टूडेंट का घर कंटेनमेंट जोन में आ जाता है तो उस स्टूडेंट को अलाउ कर दिया जाएगा, किसमें जी? नवंबर 2020 एग्जाम में अलाउ कर दिया जाएगा, मतलब माना जाएगा कि उसको भी, उसने भी अपना अटेम्प्ट क्या कर दिया जी? ऑप्ट आउट कर दिया। देखो अगर कंटेनमेंट जोन में आ गए तो घर से बाहर नहीं निकला जा सकता, तो अगर घर से बाहर नहीं निकला जाएगा तो इंस्टीट्यूट इस बात को समझता है कि हम उसको ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देंगे टू द नवंबर 2020 एग्जामिनेशन और सारे बेनिफिट लाइक फीस का बेनिफिट, एग्जम्पशन का बेनिफिट, वो उसको एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट, व्हाट विल हैपन इफ एनी एग्जामिनेशन सेंटर कम्स अंडर कंटेनमेंट जोन आइदर बिफोर और बिगिनिंग ऑफ द एग्जाम और इन बिटवीन द एग्जामिनेशन डेट्स? ठीक है, वो कहते हैं कि अगर मान लो सर एग्जामिनेशन सेंटर ही कंटेनमेंट जोन में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स वाई जेड प्लेस पर एग्जाम दे रहा हूं और वो एरिया ही कंटेनमेंट जोन में आ गया बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम या ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द एग्जाम, एग्जाम चलते चलते या एग्जाम स्टार्ट होने से पहले वो एग्जामिनेशन सेंटर किस में आ गया जी? कंटेनमेंट जोन में आ गया, तो इंस्टीट्यूट क्या कहता है? इंस्टीट्यूट कहता है ICAI will take necessary steps to shift all the students to the nearby examination center in non-containment zone. Institute पूरी कोशिश करेगा कि सारे students को non-containment zone में shift कर दिया जाए, and in case center is not available nearby, अगर मान लो कोई center available नहीं होता nearby, then students will be shifted to the November 2020 examination cycle with all the benefits in terms of carry forward of fee and exemption etc. वो कहता है कि अगर मान लो सेंटर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती आसपास तो ऑटोमेटिकली बच्चे को नवंबर 2020 में शिफ्ट कर दिया जाएगा विद द बेनिफिट्स ऑफ फी एंड एग्जेम्पशन एटसेट्रा। ठीक है जी, तो देखो इंस्टीट्यूट बहुत, मैं देखो इंस्टीट्यूट को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। अब देखो जो इंस्टीट्यूट को गलत बोलने वाले लोग हैं वो गलत तो बोलेंगे ही, क्योंकि सर वो पर्सनल ग्रजेस निकालेंगे, आई डोंट नो क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन सर इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। तो मैं आप लोगों से बच्चे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्विटर पे बिल्कुल बदतमीजी मत कीजिए, बच्चे कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अरे क्यों बोल रहे हो भाई, क्यों बोल रहे हो, बेवकूफ हो गए हो क्या आप लोग? वो आपका इंस्टीट्यूट है, वो आपका मंदिर है, वो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ स्टडी है, आप उसी को उल्टा सीधा बोल रहे हो, गलत बात है। इंस्टीट्यूट देखो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, वो बच्चों को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो अब आपकी बारी है, नाउ योर टर्न। अगर आपको एग्जाम देना है तो एग्जाम दीजिए, नहीं देने तो सर नवंबर 2020 में चले जाइए। ठीक है जी, अगला पॉइंट, व्हाट विल हैपन इफ अ पर्टिकुलर सिटी मे नॉट बी एबल टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन ड्यू टू हाई मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटब्रेक ऑफ कोविड 19? ठीक है जी, वो कहता है कि जिस शहर में आप एग्जाम दे रहे हो, अगर मान लो कोविड 19 के आउटब्रेक ज्यादा होने की वजह से उस सिटी में एग्जाम करवा पाना मुश्किल हो गया या एग्जाम नहीं करा पाया इंस्टीट्यूट, तो क्या होगा? वो कहता है ऑल स्टूडेंट्स
appearing for exam in such city will automatically be shifted to the November 2020 examination cycle with all the benefit of fees and exemption etc. ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर मान लो एग्जाम करा पाना मुश्किल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, इंस्टीट्यूट कहता है कि नवंबर 2020 में शिफ्ट कर दिया जाएगा विद द बेनिफिट ऑफ फीस एंड एग्जेम्पशन etc. देखो जब भी नवंबर 20 में इंस्टीट्यूट शिफ्ट करेगा तो सारे बेनिफिट वो देगा, फीस और एग्जेम्पशन etc. पूरे बेनिफिट वो देकर चलेगा। ठीक है जी, अगला पॉइंट, What will happen if a student give three papers, but on the fourth paper his residence comes under the containment zone, that is in case of a partial attendance in exam? ठीक है, वो कहता है अगर मान लो बच्चे ने तीन पेपर दे दिए और फोर्थ पेपर के टाइम पे उसका जो सेंटर था, उसका जो रेजिडेंस था, वो कंटेनमेंट जोन में आ गया। ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि भाई तीन पेपर आपके ठीक निकल गए लेकिन फोर्थ पेपर के टाइम पे आपका जो सेंटर था वो कंटेनमेंट जोन में आ गया। या कोई भी ले लो, अगर कोई बच्चा आठ पेपर दे रहा है तो ये मत बोलना सर चार पेपर ही क्यों बोल रहे हो, आठ दे रहा है तो किसी भी टाइम पे आप मान लो किसी भी टाइम पे आपका जो पेपर रेजिडेंस था वो कंटेनमेंट जोन में आ गया। मतलब अगर आपने पार्शियल अटेंडेंस करी है तो क्या होगा? इंस्टीट्यूट आंसर्स दैट इन दैट केस Each student will be shifted to the November 2020 examination cycle with all the benefits in the terms of carry forward of fee exemption etc. subject to the submission of notice, order, letter, notification etc. from the competent authority. Kindly note that student has to write complete group in the next examination cycle, that is shifting of partial paper is not allowed. ध्यान से सुन लो ये बात, इंस्टीट्यूट बड़ा क्लियर है इस बात पे कि अगर मान लो आपने तीन पेपर दे दिए और एक पेपर आप नहीं दे पाए क्योंकि आपका एरिया कंटेनमेंट जोन में आ गया, तो आपको ऑटोमेटिकली नवंबर 2020 में शिफ्ट कर दिया जाएगा और अगेन आपको पूरा ग्रुप दोबारा लिखना पड़ेगा। आपको पूरा ग्रुप दोबारा लिखना पड़ेगा, कहने का मतलब क्या हुआ कि सर अगर मान लो आप एक ग्रुप दे रहे हो, फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो, तीन पेपर आपने दे दिए और फोर्थ पेपर आप नहीं दे पाए क्योंकि आपका एरिया कंटेनमेंट में आ गया, तो नवंबर 20 में ऐसा नहीं है कि आपको फोर्थ ही पेपर देना है, आपको पूरा ग्रुप दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब बच्चों के दिमाग में आएगा सर अगर मान लो एक ग्रुप हमने दे दिया और सेकंड ग्रुप में दिक्कत आती है तो क्या होगा? अगला क्वेश्चन यही है, व्हाट विल हैपन इफ एनी स्टूडेंट हैज अपीयर्ड फॉर ऑल द पेपर्स ऑफ वन ग्रुप बट ड्यूरिंग एनी पेपर ऑफ द सेकंड ग्रुप His residence or examination center comes under the containment zone. ठीक है जी, वो कहता है अगर मान लो एक ग्रुप दे दिया और दूसरे ग्रुप में उसका एरिया क्या था? कंटेनमेंट जोन में आ गया, तो क्या होगा? In that case, first group will be taken completely appeared. देखो जी, यहां पर obviously institute ने साफ बोल दिया कि उस केस में क्या होगा, आपका first group तो appear माना जाएगा लेकिन आपको second group में पूरा group दोबारा देना पड़ेगा। भाई ऐसा हो सकता है ना, आपने first group दिया नॉर्मल निकल गया, सेकंड ग्रुप का एक पेपर दिया और बाकी तीन पेपर आप नहीं दे पाए क्योंकि आपका एरिया कंटेनमेंट में आ गया, या आपने दो पेपर दे दिया आप बाकी दो नहीं दे पाए, या आपने तीन दे दिए लास्ट का एक नहीं दे पाए, तो क्या होगा? फर्स्ट ग्रुप तो आपका माना जाएगा कि आपने अपीयर कर लिया, वो आपको दोबारा नहीं देना, लेकिन सेकेंड ग्रुप आपको फिर दोबारा देना पड़ेगा, पूरा ग्रुप दोबारा देना पड़ेगा। तो ये दो पॉइंट मेरे सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 13 एंड 14, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पॉसिबल केस है। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 15, व्हाट विल हैपन इफ अ स्टूडेंट इज फाउंड कोविड-19 पॉजिटिव आइदर बिफोर और ड्यूरिंग द एग्जाम और इज नॉट इन गुड हेल्थ टू अपियर इन द एग्जामिनेशन? ठीक है जी, वो कहता है अगर मान लो बच्चा कोविड पॉजिटिव हो गया या तो बिफोर एग्जाम्स या ड्यूरिंग द एग्जाम और या फिर उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई है कि वो एग्जाम में नहीं आ सकता, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, इंस्टीट्यूट बोलेगा कि सच स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू अपियर इन द जुलाई 2020 एंड विल बी अकोमोडेटेड बाय द ICAI टू नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल, दैट इज नवंबर 20, ऑन सबमिट ऑफ इट्स टेस्ट रिपोर्ट। ठीक है जी, आपको टेस्ट रिपोर्ट तो ऑब्वियसली सबमिट करानी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट कहता है कि आपको फिर जुलाई 2020 एग्जाम में नहीं बैठना, नवंबर में चले जाना, नवंबर में आप एग्जाम दे देना, लेकिन आपको एक टेस्ट रिपोर्ट सबमिट करके चलनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चे झूठ भी तो बोल सकते हैं, बच्चे बड़े शातिर होते हैं। उसके बाद Looking into the health scare due to pandemic and the student finding himself with indicative symptoms of at any time, such student may opt for next examination cycle on submission of a valid medical certificate and said certificate should be issued by a medical practitioner having an MBBS degree or more. ठीक है जी, वो कहता है अगर बच्चा की हेल्थ ज्यादा खराब है तो वो एक सर्टिफिकेट बनवा के दे दे, एक मेडिकल प्रॉपर सर्टिफिकेट बना के दे दे, तो उसकी वजह से वो सर्टिफिकेट लेकर इंस्टीट्यूट से नवंबर 2020 में अलाउ कर देगा।
ठीक है जी। अगला पॉइंट, इफ एनी स्टूडेंट डज नॉट चूज ऑप्ट आउट नाउ कैन ही लेटर ऑप्ट आउट फ्रॉम द एग्जाम। हाँ जी, अगर मान लो कोई बच्चा अभी ऑप्ट आउट सेलेक्ट नहीं करता, क्या वो बाद में ऑप्ट आउट के लिए अप्लाई कर सकता है? इंस्टीट्यूट ने अपनी 15 जून की नोटिफिकेशन में लिख दिया था कि एक बार, मतलब वो डेट दे दी थी उन्होंने 17 से 20 जून, 17 से 20 जून के बीच में अगर आप ऑप्ट आउट के लिए अप्लाई करते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑप्ट आउट की विंडो क्लोज हो जाएगी। तो इंस्टीट्यूट कहता है कि जनरली तो वो अलाउ नहीं करेगा, लेकिन वो कहता है कि इट विल बी परमिटेड। सिर्फ किस केस में परमिटेड होगा? इट विल बी परमिटेड ओनली इन केस रेजिडेंस ऑफ सच स्टूडेंट फॉल्स अंडर द कंटेनमेंट जोन सब्सिक्वेंटली और ही इज नॉट कीपिंग वेल ऑन अकाउंट ऑफ कोविड और अदर हेल्थ इश्यू एज पर द वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट। देखो, सिर्फ 3 केस में इंस्टीट्यूट अलाउ करेगा कि अगर आपने ऑप्ट आउट नहीं किया अभी तो बाद में ऑप्ट आउट के लिए 3 केस में अलाउ करेगा, या तो आपका एरिया कंटेनमेंट जोन में आ जाए, या फिर आपको कोविड हो जाए, या फिर आपकी हेल्थ ज्यादा खराब हो जाए और आप एक मेडिकल रिपोर्ट को सबमिट कर दो, तभी आप बाद में ऑप्ट आउट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, तो दिमाग में ये मत लाना कि सर अभी तो छोड़ देता हूँ ऑप्ट आउट, बाद में अप्लाई कर लूंगा। 3 रीजन वैलिड आपको देने पड़ेंगे। एरिया कंटेनमेंट में आना चाहिए, उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का लेटर चलेगा, कोविड होना चाहिए, उसके लिए टेस्ट रिपोर्ट चलेगी, और आपकी हेल्थ ज्यादा खराब होनी चाहिए, उसके लिए मेडिकल रिपोर्ट चलेगी, तभी यू आर अलाउड टू ऑप्ट आउट लेटर। ठीक है जी, ओके। इफ एनी स्टूडेंट चूजेस ऑप्ट आउट नाउ कैन ही लेटर ऑप्ट टू गिव द एग्जाम। अगर मान लो आज आपने ऑप्ट आउट चूज कर लिया, क्या बाद में एग्जाम के लिए ऑप्ट कर सकते हो? आंसर इज नो। साफ बोल दिया था इंस्टीट्यूट ने कि एक बार अगर आपने ऑप्शन ले लिया, उसके बाद आप इस ऑप्शन को विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, इफ एनी स्टूडेंट चूज ऑप्ट आउट नाउ एंड लेटर इंस्टीट्यूट पोस्टपोन द एग्जाम, देन व्हाट विल देयर रेमेडियल एक्शन। ठीक है जी, अगर मान लो बच्चा आज ऑप्ट आउट कर देता है, आज वो छोड़ देता है, और बाद में इंस्टीट्यूट ही पोस्टपोन कर देता है एग्जाम, तो क्या होगा? इन सच केस All the students will be shifted to the November 2020 exam cycle with all the benefit in term of carry forward of fee exemption etc. Institute ने यहाँ पर देखो point clear बता दिया कि क्योंकि institute को अभी खुद भी surety नहीं है कि वो exam करा पाएगा या नहीं करा पाएगा। देखो ये सब चीजें institute assessment कर रहा है, जुलाई के मंथ में वो देखेगा कि भाई क्या situation रहती है country की, क्योंकि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि exam करा दिया जाए, लेकिन अगर मान लो हालत ज्यादा ही खराब हो जाती है तो देखो कोई कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट की गाइडलाइन सबसे ऊपर रहेंगी। तो अगर मान लो आज आपने ऑप्ट आउट कर दिया और बाद में इंस्टीट्यूट खुद ही पोस्टपोन कर देता है एग्जाम, तो सब बच्चों के एग्जाम नवंबर 2020 में होंगे, सबको फीस का और एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी, उसके बाद कैन ए स्टूडेंट चेंज हिज एग्जामिनेशन सिटी आफ्टर करेक्शन विंडो गेट्स क्लोज। क्या स्टूडेंट अपनी एग्जामिनेशन सिटी को चेंज कर सकता है व्हेन द विंडो इज क्लोज? आंसर इज नॉट परमिटेड, अलाउड नहीं है। इंस्टीट्यूट ने टाइम दे रखा है कि 17 से 20 के बीच में आप खुद अप्लाई कर दो, ले अगर आप 17 से 20 के बीच में अप्लाई नहीं करते तो आपका एग्जामिनेशन सिटी चेंज आप नहीं कर सकते। सर अगर एग्जामिनेशन सिटी में ही प्रॉब्लम आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ऊपर इंस्टीट्यूट ने क्लियर कर दिया था कि अगर सिटी में एग्जाम करवा पाना मुश्किल हो गया ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोविड-19, ज्यादा अगर कोविड हो जाता है उस एरिया में, तो इंस्टीट्यूट ऑटोमेटिकली आप लोगों को नवंबर 2020 में अलाउ कर देगा, शिफ्ट कर देगा, यू कैन ऑप्ट फॉर नवंबर 2020। क्लियर। उसके बाद इज देयर एनी अदर डॉक्यूमेंट और लेटर विच हैज टू बी अपलोडेड व्हेन आई चूज ऑप्ट आउट? क्या कोई और लेटर वगैरह भी ऑप्ट आउट के लिए हमें कुछ देना पड़ेगा? आंसर इज नो। आपको सिर्फ एक डिक्लेरेशन देनी है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है। उसका फॉर्मेट मैंने आपको, आप प्रीवियस मेरी वीडियो देख लेना कि हाउ टू अप्लाई फॉर ऑप्ट आउट, उसमें मिल जाएगा आपको कि डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट आपका चलेगा, उसमें आप सेल्फ डिक्लेयर करके दोगे और कोई आपको एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद What should a student do in case he wishes to choose opt-out facility but does not have print facility available at his home or nearby market to print the declaration format? देखो बहुत ही practical question institute ने deal किया यहाँ पर कि अगर मान लो बच्चा opt out के लिए choose कर रहा है तो declaration का print निकाल के आपको भर के scan करके upload करना है, लेकिन अगर मान लो आपके घर पे printer नहीं है या आपके एरिया में कोई प्रिंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? इंस्टीट्यूट कहता है उन बच्चों के साथ भी हम है, इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि सच स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू सबमिट और अपलोड अ स्कैंड कॉपी ऑफ हैंड रिटन डिक्लेरेशन ड्यूली साइंड एंड कंटेनिंग ऑल द रेलिवेंट पर्टिकुलर एज पर द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। हाउएवर दिस ऑप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज ओनली वेयर द प्रिंट फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल विद द स्टूडेंट। ठीक है जी, वो कहता है अगर मान लो आपके पास प्रिंट फैसिलिटी नहीं है
तो आप क्या कर सकते हो, तो आप पूरी डिक्लेरेशन को हैंड से लिखकर, हाथों से लिखकर एक पेपर पे और स्कैन करके अपलोड कर सकते हो, इंस्टीट्यूट उसको भी अलाउ कर देगा, लेकिन वो तभी जब आपके एरिया में या आपके घर में प्रिंट फैसिलिटी अवेलेबल ना हो। अब देखो ये पता लगा पाना, मुझे नहीं पता कि कैसे इंस्टीट्यूट पता लगा पाएगा, तो ये पता लगा पाना थोड़ा टफ है कि आपके एरिया में प्रिंट फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि बच्चों आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हो, आप हाथ से डिक्लेरेशन लिख के वो भी सबमिट कर दोगे तब भी काम बन जाएगा आपका, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज योर, विल वाटर बी प्रोवाइडेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द एग्जाम, क्या पानी की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, क्या पानी मिलेगा पीने का। आंसर इज इंस्टीट्यूट कहता है बिल्कुल मिलेगा पानी, इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी रखेगा, साफ सुथरा पानी हो, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट आपको एडवाइस करता है और मैं खुद भी आपको एडवाइस करता हूं कि वहां का पानी मत पीना, अपने घर से पानी लेकर जाना, ठीक है जी। एक घर से अपना साफ सुथरा पानी या ग्लूकोज जो भी आप लेके जाना चाहो उसको लेकर जाना, ठीक है जी। और आगे लास्ट में क्या लगता है, दो इंस्टीट्यूट हैज ट्राइड टू आंसर ऑल द क्वेरीज और ऑब्जर्वेशन रेज बाय द एग्जामिनीज टिल टाइम, हाउ एवर इफ एनी क्वेरी स्टिल रिमेन अनआंसर्ड द एग्जामिनी कैन ईमेल एट May 2020 एग्जाम एट ICAI.in। अगर आपको लगता है कि आपके कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाता है, कोई आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन चल रहा है, तो आप इंस्टीट्यूट की इस वेबसाइट पे मेल कर सकते हो। और दोबारा अगर मान लो आपका कोई आंसर अनआंसर्ड रह जाता है तो आप मुझे भी ईमेल कर सकते हो और मैं आप लोगों के बिहाफ पे इंस्टीट्यूट से पूछ सकता हूं। और थोड़ा देखो उसमें क्या रहता है कि इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है, आंसर जल्दी मिलने की चांसेस रहते हैं, मैं एज अ फैकल्टी पूछूंगा, मास बच्चों के बिहाफ पे पूछूंगा तो आंसर मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो मैं अपनी ईमेल आईडी और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पर अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना। अगर इन्हीं एफएक्यूज में कवर हो तो मैं तो आपको वैसे ही आंसर दे दूंगा, और अगर मुझे लगता है कि एफएक्यू से बाहर का क्वेश्चन है तो मैं इंस्टीट्यूट को मेल डालकर पूछकर आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है जी। बताइए जी, तो ये अनाउंसमेंट का पीडीएफ वर्जन है, एक मिनट, सॉरी वो तो अनाउंसमेंट थी। तो ये आपके एफएक्यूज हैं, एक बार सारे एफएक्यूज को आप बहुत अच्छे से पढ़ना, पूरे ध्यान से पढ़ लेना, इंस्टीट्यूट ने पूरी कोशिश करी है कि सारी चीजों को कवर कर दिया जाए, और पूरी वीडियो देखना, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको तभी आपका कुछ बेनिफिट मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, बच्चों तक सर्कुलेट कर देना, अपने दोस्तों तक बता देना कि भाई एफएक्यूज आ गए हैं उनको पढ़ लो, सो दैट जो बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन और क्वेश्चंस चल रहे हैं वो सब सारे उनको आंसर मिल पाए, ठीक है जी। अगेन मैं दोबारा बोलूंगा आपको, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, कंपेल नहीं कर रहा, कंपेल नहीं कर रहा बिल्कुल भी, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जुलाई में पेपर लिख पाना टफ है, क्योंकि सर इंस्टीट्यूट को खुद पता है कि थोड़ी दिक्कतें हैं। तो आप क्या क्या चीजों को मद्देनजर रखोगे, आपको अपने आप को पूरी प्रिकॉशन में रखना है, पूरी सैनिटाइजेशन रखनी है, कोई भी जरा सी गड़बड़ी हो जाती है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, तो देखो थोड़ा सा टफ सिचुएशन तो है, रिस्क भी है। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि सर हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है, एग्जाम तो हर 6 महीने में होंगे लेकिन हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है, गो फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट, ऑप्ट कर लो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, बाकी आप लोगों की मर्जी है। अगर आपको लगता है यू आर 100% मेडिकली फिट और आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो आप लोग एग्जाम दे सकते हो और इंस्टीट्यूट आपका तैयार है, ये आपके एफएक्यूज है, ठीक है जी। चलिए फिर तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे किसी और वीडियो में, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर एंड योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस, बाय बाय।